हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z5 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है अपने मोबाइल फ़ोन को जो है ना फैक्ट्री रीसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आप अपने फ़ोन को रीसेट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, और फैक्ट्री रीसेट करने से होता क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज ओपन करना है। ठीक है, सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने मोबाइल फ़ोन में। सेटिंग पेज में आपको है ना नीचे आना है। यहाँ पर आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा सिस्टम का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अब इसके अगले पेज में आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट ऑप्शन। रीसेट ऑप्शन पे आपको इसे सेलेक्ट कर लेना है। अब रीसेट ऑप्शन के इस पेज में आपको ये ऑप्शन मिलेगा इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट। ठीक है, तो दोस्तों फैक्ट्री रीसेट को ही इरेज ऑल डेटा बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है ना फैक्ट्री रीसेट पे आपको इसे सेलेक्ट करना है और ये पेज आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है ना नीचे की साइड ये देखिए लिखा हुआ है ब्लू कलर में इरेज ऑल डेटा। अगर दोस्तों आप इसे इरेज ऑल डेटा पे अगर आप इसे सेलेक्ट कर देंगे ना, तो आपके मोबाइल फोन जो है ना पूरा का पूरा रीसेट हो जाएगा। और रीसेट होने से होगा क्या, जैसा आप अपना मोबाइल फोन दुकान से या फिर नया फोन हम जैसे खरीद के लाते हैं ना, वैसा का वैसा बिल्कुल नया हो जाएगा। आपका जो भी डेटा आपके मोबाइल फोन में होगा वो सारा का सारा रीसेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर आपको ये फैक्ट्री रीसेट करने से पहले अपना जो इंटरनल स्टोरेज होता है या फिर जो भी आपका स्टोरेज में आपका डेटा पड़ा हुआ है, वो सारा का सारा डेटा आपको जो है ना अपने किसी दूसरे फाइल में या किसी दूसरे मोबाइल में किसी दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर लेना, तब जाके आपको रीसेट करना है। और ध्यान रखिए, रीसेट करने से पहले आपको अपने मोबाइल फोन की जो मेल आईडी होती है, ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड आपको याद करके रखना है, ध्यान में लिख के रखना है, ताकि आप दोबारा से उसे लॉगिन कर सके। क्योंकि फैक्ट्री रीसेट करने से आपका पूरा का पूरा मोबाइल फोन का डेटा एक डिलीट हो जाता है, कुछ भी नहीं रहता है। जैसा आप नया फोन हम एक तरीके से खरीद के लाते हैं, हमारा मोबाइल फोन एक तरीके से नया हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर जो है ना ये फैक्ट्री रीसेट करने से ये सेटिंग इस तरीके से काम करती है आपके मोबाइल फोन में। ठीक है ना, आप इस सेटिंग को यहां से फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं।